छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में सुशासन नहीं कुशासन होने का आरोप लगाया। उन्होंने राजीव भवन में कानून व्यवस्था को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री ने भिलाई के डीपीएस स्कूल में 5 जुलाई को अबोध बच्ची के साथ घटी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन समेत राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उक्त घटना को शासन प्रशासन के दबाव में दबा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने डीपीएस के प्रिंसिपल के एक्सटेंशन पर भी सवाल उठाए, साथ ही संपूर्ण घटना में दुर्ग एसपी द्वारा फैसला लिए जाने को गलत ठहराते हुए एफआईआर दर्ज न किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा 154 में, ये मैंडेटरी है आपको एफआईआर दर्ज करना, उसके बाद जांच करेंगे। और ये समाज का मामला है, वो केवल एक पिता की बेटी नहीं है, वो पूरे समाज की बेटी है। और यदि उसका है, इसीलिए देखिए घटना के बारे में मुझे पहले से जानकारी हो गई थी। पालक लोग भिलाई जैसे प्रबुद्ध नागरिकों का शहर है, सारे बीएसपी के वर्कर हैं, उसके बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे लोग ये मामले को उठाए, वो सब पालक गए, हजार संख्या में गए, आप वीडियो देखेंगे सब कुछ दिख रहा है, वो सब जानकारी में थी। लेकिन जिस प्रकार से एसपी ने उसको काउंटर किया और सब मामला रफा दफा कर दिया, दबा दिया और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया को भी, और जो अधिकारी सही मामले को उठा रहे हैं उसको भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कारण से आज ये मामला अब मंत्री भी हो गया, तो मंत्रिमंडल क्या कार्रवाई कर रही है, महत्वपूर्ण बात है।